एक मंत्री ने गया सर उन किसानों के घर जिन नहीं, नहीं ए, ए, एक मिनट आप आप ये बताइए सिख परिवार मारे गए मुख्यमंत्री चले आते बुला लेते लखनऊ उनको हेलीकॉप्टर से आप नहीं बुलाए आप माइनॉरिटी है ना वो चलिए मुसलमान माइनॉरिटी से योगी सरकार को मोहब्बत नहीं है कम से कम उनको बुला लेते उन सिखों को उसका बेटा जो मरने वाले का बेटा शरद पर हमारी हिफाजत कर रहा है बाप कहता है कि बेटा तू शरद की हिफाजत कर मैं खेत में यहां पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा आप बताइए आप मुलाकात भी नहीं करते हैं। अच्छा चलिए वो ही नहीं मिले प्रधानमंत्री कम से कम एक फोन कर लेते राजनाथ जी फोन कर लेते डिफेंस मिनिस्टर के भाई हम आपके साथ ब्रजेश आपके साथ हैं पाठक मंत्री गए थे उनके घर जिनकी बाद में वहां पर पीट कर हत्या की गई हाँ, थी लेकिन किसानों के घर नहीं 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 गए हम दोनों बातें बताते, बताते हैं वैसे तो अगर बात कही सिखों की बात कही तो जिसका हाथ काट दिया गया जसबीर वो तो कुछ नहीं था उसके लिए किसी ने कोई शब्द बोला ना वो सिख था ना वो दलित था ना वो किसान था हाथ काट दिया गया हाथ काट के लटका दिया गया इतनी नृशंस हत्या कहीं और हुई होती तो पता नहीं कितना आसमान सरकु इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी चीज को बहुत सेलेक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं हम समान रूप से देखते हैं और एक और बात मैं कहूंगा इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए भीड़ किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुचला अगर भाग्य से कोई व्यक्ति देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही तो उसके बाद बचने की संभावना थी अगर भीड़ ने घेर कर आपको लाठी से पीट पीट कर मारा उसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं थी तो एक सौ बीस बी के मुकदमे के तहत सिद्ध होगा कि वो जान के चढ़ाई गई या अपने आप या गलती से चढ़ी ठीक है ये जांच में प्रूव हो जाएगा मगर जिसको घेर के मारा गया इसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं इसमें भी कोई संभावना है कि बाई चांस वो फंस गया और बाई चांस लाठियां पड़ गई और बाई चांस गए वो, मर वो तो सरेआम हत्या है और यहां ने, ने, तक कहा गया ने, ने, ना ने, ने, ना सुनिए ना सर कौन सी गाड़ी थी थार सुनिए उसमें बाई चांस है ने, 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 नहीं 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 मैं ये नहीं अच्छे से चढ़ा रहे लोगों पर मैं ये कह रहा हूं आगे की बात तो सुनिए टिकैत जी तो ये बोले कि जिन लोगों ने लाठी से पीट के मारे गए उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए इसका जवाब दीजिए ना आप इतना डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं हत्या हत्या है दोनों तरफ से मुकदमा चलना लोग चाहिए किसानों के घर क्यों नहीं गए दोनों हमने सबको समान रूप से दिया ये तो गए भी नहीं दिया जी भी कहां नहीं गए थे रजेश जी किनके घर गए थे जिनकी बाद में हत्या बात है क्योंकि उनके यहां तो किसी ने नाम तक नहीं लिया तो इसलिए हम लोग गए और जहां तक यह बात है तो ये लोग जब आए तो एक और बात समझिए भैया लखीमपुर की इतनी दौड़ चल रही थी इतनी दौड़ चल रही थी पंजाब से कि मुख्यमंत्री अलग आएंगे और उनके अध्यक्ष अलग आएंगे इसका क्या मतलब था इसका मतलब वहां लखीमपुर के किसानों से हमदर्दी नहीं है उनके ऊपर राजनीति करने का उद्देश्य वरना अगर पार्टी है और सुनिए उधर प्रियंका गांधी अलग जाएंगी राहुल गांधी जी अलग भाई एक पार्टी के चार चार लोग जा रहे हैं एक ही प्रांत के दो नेता अलग अलग जा रहे हैं एक हवाई जहाज से जा रहा है और एक बाई रोड सिद्धू बाई रोड जा रहे हैं चन्नी हवाई जहाज से जा रहे हैं ये क्या है भाई और आप लोग हर जगह रोक रहे थे अरेस्ट कर रहे थे सबको खाली हाँ वो जो आपने बात कही उसका कारण जानते क्या है ये राहुल जी और प्रियंका जी के पास सिक्योरिटी कौन सी है जेड प्लस नहीं है Z plus with ASL, ASL का मतलब है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग ये एसपीजी के बाद सबसे वो जो और देश के गृहमंत्री के पास है देश के रक्षा मंत्री के पास है। वो जहां जाएंगे तो पहले रूट को सैनिटाइज करते हैं जहां जाना है उस जगह को देखते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस तो उनको वहां लेके जाते हैं आप बगैर प्रोग्राम के अगर आप जाना चाहते हैं तो एस प्लस प्लस एल में मूव नहीं कर सकते अब आप खुद नियम तोड़ते हैं, फिर ये हैं की सर ये तो चुटकुला हो गया सर की सुरक्षा के लिए उनको बंदी बना रहे अच्छा ये बताइए अगर आप जाएंगे तो बंदी बना देंगे आपको पता नहीं है एसएल वाला जहां जाएगा एक एक थाने को खबर होगी तो आपको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा वहां पुलिस का बंदोबस्त होगा ऐसे नहीं हवा चल दिए